अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूके कोर्ट में होम ऑफिस पर एक नया केस दर्ज कर दिया गया है। ये किससे मुतलक केस दर्ज किया गया और ये वुकला की जानिब से किया गया और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, वो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड अपडेट कुछ यूँ आई है कि यूके होम ऑफिस पर कोर्ट की जानिब से एक नया केस दर्ज कर दिया गया है, जिस पर वुकला की जानिब से यह केस दर्ज किया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो प्री सेटलमेंट वाले यूरोपीय यूनियन के लोग थे जिनको यहाँ पर सेटलमेंट रहने के लिए दिया गया, और फिर उसके बाद जब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बुलवाने की बात की तो उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आ रही थी। तो इस चीज़ को देखते हुए अहम तरीन अपडेट जारी हुई है। यूरोपियन फैमिलीज़ ने प्रीति पटेल के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज कर दिया गया है। तो इस न्यूज़ की तफसीलात कुछ यूँ हैं कि जो लोग यूरोप में सेटल थे, यानी कि जिनको प्री सेटलमेंट स्टेटस दे दिया गया था, तो उसके बाद जब उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बुलवाने की कोशिश की, यानी कि उनके लिए भी अप्लाई करना शुरू किया, तो उसमें प्रीति पटेल और जो होम ऑफिस है उसने काफ़ी ज़्यादा रिकावट पैदा की, तो उनको अपनी फैमिली से मिलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी। जबकि ये मुआहदा जब से हुआ इसमें यह था कि आप अपनी फैमिलीज़ को भी और ख़ुद भी यहाँ पर यूके में सेटल हो सकते हैं। तो इस तरह से अब ये जो केस कोर्ट में दर्ज किया गया है, अब कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा, जो कि यकीनन यूरोपी प्री सेटलमेंट वालों के हक में ही आएगा, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में केस दर्ज किए गए जो कि प्रीति पटेल के ख़िलाफ़ थे, और अदालत के फैसले आए वो दूसरों के हक में। जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में इमिग्रेशन कवानीन की बातें चल रही हैं, और इससे पहले इमिग्रेशन की भी चंद कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें प्रीति पटेल को नाकामी मिली है, उन पर भी केस दर्ज किए गए जिसमें प्रीति पटेल को नाकामी मिली। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी इमिग्रेशन के कवानीन को लेकर काफ़ी शको शबात पाए जाते हैं, तो अनकरीब इमिग्रेशन के कवानीन में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीति पटेल को नाकामी मिलेगी कोर्ट की जानिब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले चंद एक कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें नाकामी मिली। जैसा कि आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा प्रीति पटेल यानी कि होम ऑफिस के केस दर्ज होते हैं अदालतों में, और जिनमें से काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनमें दूसरों के हक में फैसला होता है, और इसको काफ़ी ज़्यादा नाकामी देखने को मिलती है। तो ये एक बड़ी अपडेट आई है, जो कि प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए भी केस दर्ज कर दिया गया है। आने वाले दिनों में इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है फैसला, जो कि यकीनन है कि इन यूरोपीय यूनियन वाले प्री सेटलमेंट वालों के हक में ही आएगा। तो फ्रेंड ये एक बड़ी अहम तरीन अपडेट आई थी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो फ्रेंड अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और ताज़ा तरीन अपडेट में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।